राम राम, नमस्कार। कैसे हैं किशन भाइयों? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। किशन भाइयों, आज तारीख हो चुकी है 9 मई 2024, दिन बृहस्पतिवार। फिर आज रहे एक नए वीडियो में प्याज के आज के ताजा भाव का अपडेट लेकर। आज जानेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज कैसे क्या रहे प्याज के बाजार, कितने क्या गाड़ियों की ताजा फ्रेश अराइवल पहुंची है और आज ग्राहकी आज कैसी क्या देखने को मिल रही है दिल्ली आजादपुर मंडी में। कम्प्लीट अपडेट आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और जो भी अपडेट बताएंगे किशन भाइयों वो 40 किलो मन के हिसाब से अपडेट बताएंगे। तो अपडेट को पूरा देखे तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल पर पहली बार है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं प्याज के भाव का अपडेट डालूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे। तो चलिए किशन भाइयों, आज जान लेते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज कैसे क्या रहे प्याज के रेट। किशन भाइयों, सबसे पहले तो बात करेंगे ताजा फ्रेश अराइवल की। आज मंडी में किशन भाइयों ताजा फ्रेश अराइवल जो पहुंची है वो लगभग 60 से 65 मोटरों की ताजा फ्रेश अराइवल पहुंची है और जो कल का बैलेंस बाकी है टोटल अगर हम बिक्री के लिए गाड़ियों की बात करें किसान साथियों तो टोटल जो बिक्री के लिए गाड़ियाँ खड़ी हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में वो लगभग 125 से 130 गाड़ियाँ बिक्री के लिए खड़ी हैं, जिसमें कि लगभग आज किसान भाइयों 40 से 45-50 गाड़ी बिकने की उम्मीद है। तो किसान भाइयों सबसे पहले बात करेंगे आज नासिक के प्याज की। तो नासिक के प्याज आज दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान भाइयों वो आज आपके 20 रुपए से लेकर 22, 23, 24, 25 रुपए तक जो है बिकते नजर आ रहे हैं और जो मीडियम साइज का नासिक का प्याज है किसान भाइयों आज आपका दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान साथियों 17 रुपए से लेकर 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से नासिक के प्याज का भाव आज दिल्ली आजादपुर मंडी में रहा। अगर हम इसके साथ साथ किसान भाइयों बात करें एमपी के प्याज की, तो एमपी के प्याज आज दिल्ली आजादपुर मंडी में वो भी किसान भाइयों 20 रुपए से लेकर 21-22 रुपए प्रति किलो के हिसाब से और किसान भाइयों जो मीडियम साइज का प्याज है मध्य प्रदेश का वो आज आपका 17 रुपए से लेकर 18 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिल्ली आजादपुर मंडी में बिकता नजर आ रहा है। इसके साथ साथ किसान भाइयों बात कर रहे हैं राजस्थान के प्याज की, तो राजस्थान के प्याज इस समय दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान साथियों भर के गाड़ियां आ रही है। राजस्थान का सबसे ज्यादातर जो है प्याज आ रहा है। वैसे तो महाराष्ट्र के किसानों से मैं कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के जो भी प्याज के किसान हैं धीरे धीरे करके जो है प्याज को लाएं, क्योंकि महाराष्ट्र के प्याज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है दिल्ली आजादपुर मंडी या अन्य मंडियों में पहुंच रहे हैं। और किसान भाइयों अगर आप प्याज को आराम से लाएंगे तो आपको प्याज के भाव भी जो है बढ़िया देखने को मिलेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में या अन्य मंडियों में। तो बात कर लें राजस्थान के प्याज की, तो राजस्थान के प्याज आज दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान साथियों वो आपके 17 रुपये से लेकर 17.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से और जो ऊपर में भाव रहा वो 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से राजस्थान के प्याज का भाव आज दिल्ली आजादपुर मंडी में रहा। इसके साथ साथ बात कर लें किसान साथियों इंदौर के प्याज की, तो इंदौर के प्याज की क्वालिटी किसान साथियों आप देख रहे हैं ये इंदौर के प्याज की क्वालिटी है और ये दिल्ली आजादपुर मंडी में 16 रुपए से लेकर 18 रुपए प्रति किलो के बीच में। वैसे तो अगर हम टोटल प्याज के भाव की बात करें किसान साथियों तो 750 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति मन के हिसाब से आज दिल्ली आजादपुर मंडी में प्याज के रेट रहे। इसके साथ साथ अगर हम ग्राहकी की बात करें तो ग्राहकी जैसा की बहुत ही बढ़िया देखने को मिली आज दिल्ली आजादपुर मंडी में। लगभग 50 गाड़ी कल भी जो है बिक गई थी और आज भी जो है लगभग 45 से 50 गाड़ी बिकने की उम्मीद है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है चालू हो चुका है। अब हमारे किसान भाइयों के लिए खुशखबरी वाली बात है, एक्सपोर्ट खुलने से अब जो है प्याज के भाव में जरूर बढ़ोतरी हमारे किसान भाइयों को देखने को मिलेगी। अब जो है बांग्लादेश को प्याज जाना शुरू हो चुका है। हम तो कह रहे हैं कि लगभग गाड़ियाँ भर भर के जाएँ बांग्लादेश ताकि हमारे किसान भाइयों के ऊपर जो प्याज लदा हुआ है वो कुछ ना कुछ वजन हल्का हो। तो अब जो है एक्सपोर्ट खुलने से कहीं ना कहीं अब हमारे किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है, प्याज के भाव बढ़ने की उम्मीद है। तो किसान भाइयों ये थे दिल्ली आजादपुर मंडी से प्याज के आज के ताज़ा भाव का अपडेट जो मैंने आप लोगों को इस चैनल और वीडियो के माध्यम से दिया। वीडियो और जानकारी हमारी पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।